वेलकम बैक टू योर चैनल फाइन फर्स्ट। तो गाइस हुआ यूं कि मैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद स्टेशन पर खड़ा था और सोच रहा था कि किस ट्रेन से कानपुर पहुंचूं। तभी मुझे वंदे भारत ट्रेन स्ट्राइक की और मन बना लिया कि मैं इसी ट्रेन से कानपुर चलता हूं। लो थोड़ी देर में भाई साहब ऑन टाइम 4:37 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म 6 पर आ गई। भाई प्रयागराज स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 6 ढूंढना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। आप लोग भी बाहर से हो, अगर इलाहाबाद के नहीं हो यानी प्रयागराज के नहीं हो तो भाई लोग पहले से ही ढूंढ लेना, नहीं तो प्लेटफॉर्म 6 के चक्कर में आपकी ट्रेन छूट जाएगी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी वंदे भारत ट्रेन, आप देख सकते हैं। भाई साहब जैसे ही वंदे भारत ट्रेन जो बनारस से आ रही थी प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने देखी, वैसे ही सब उसको देखकर अपने अपने कोच की तरफ लपके। क्यों ना हो, गेट ऑटोमेटिक है और सिर्फ 2 मिनट के लिए खुलते हैं और लोग डर भी जाते हैं कहीं हमको छोड़ के ट्रेन निकल ना जाए। तो गाइस मैं अभी अपने कोच पर पहुंचूं, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी ही ट्रेन ना मिस हो जाए। तो देखिए गाइस कैसे लोग खुलने का इंतजार कर रहे हैं और गेट है कि खुल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं भाई, गेट तो ऑटोमेटिक है तो खुलता तो होगा ही ना, तो थोड़ी देर में खुलेगा। चलिए देखते हैं कितनी देर में खुलता है। चलिए 1 मिनट 2 मिनट 3, ओह माय गॉड खुल गया। ओ भाई पहले जो उतरने वाले हैं उनको उतर जाने दो, फिर चढ़ते हैं, पहले उतरने वालों को उतर जाने दो। चलिए चलिए लास्ट वाला आ गए, उतर जाइए। चलिए अब चढ़ते हैं, मैं भी चढ़ता हूँ। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। तो भाई लोग मैं आपको बता दूं, वंदे भारत में इलाहाबाद से कानपुर तक का किराया 645 रुपए है इंक्लूडिंग GST, और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करते हैं तो उसका किराया है 1260 रुपए। एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट्स 2x2 मैनर में रहती हैं और मोर स्पेस और कंफर्ट मिलता है, ज़्यादा लेग स्पेस भी रहता है। उसके बाद वॉशरूम और भी हाइजेनिक और क्लीन होते हैं। चलिए मैं भी सेटल हो जाता हूँ, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। और गाइस अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो भी आप एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र कर सकते हैं, भाई ये आराम का मामला है। तो यहाँ देखिए गाइस हथौड़ी लगी है, इमरजेंसी कंडीशन में ग्लास तोड़ना पड़े तो किससे फोड़ोगे, हाथ से थोड़े ही ना टूटेगा। चलिए अब आपको सामने दिखाते हैं, सामने ऊपर कैमरा लगा है, आप देख सकते हैं 2 TV के बीच में ऊपर इंफॉर्मेशन पैनल लगा हुआ है जिस पर ट्रेन की स्पीड और इंफॉर्मेशन चलती रहती है। ये भाई साहब काफी देर से अपनी सेल्फी लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे, देखते हैं कब तक ये अपनी सेल्फी ले पाते हैं। ओ बहुत देर से खड़े हैं भाई साहब, शर्मा रहे हैं, लग रहा है अब ले ही लेंगे, नहीं लिया भाई साहब चल दिए। अब देखिए भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर, एकदम शानदार, एकदम साफ सफाई वाला लग रहा है भाई साहब। AC वेंट्स लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए हमारी सीट नंबर 25, 26, 27, सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल भाई साहब, मजा आ रहा है बैठने में, एकदम मजा आ रहा है, बता नहीं सकते। ये देखिए 3 लाइटें लगी हुई हैं ऊपर, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये लाइट जला करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ 3 सीट्स हैं और दूसरी तरफ 2 सीट्स हैं, तो उनके ऊपर 2 ही बस आपको लाइट्स मिलेंगी, तो जिस तरफ जितनी सीट्स उतने ज़्यादा जो है लाइट्स लगी हुई हैं। अब देखिए ये मैं आपको पूरा कोच दिखा देता हूँ, पूरा कोच आप देखेंगे तो आराम से कितना शांति से लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी 2 TV और इंफॉर्मेशन पैनल मिल जाता है। अब देखिए यहाँ सन शेड के लिए एक ऊपर बार भी लगी हुई है, अगर आपके ऊपर सन की रेज बहुत ज़्यादा आती हैं तो आप अपना नीचे कर लीजिए। इसके साथ ही इतना बड़ा ग्लास पैनल लगा है कि आप बाहर खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, इतना बढ़िया लगता है अंदर से बाहर की ओर देखने के लिए कि बता नहीं सकते। ये हमारी माता जी बैठी हुई थी और बाहर से जो लोग देख रहे होंगे वो तो एकदम मस्त हो गए होंगे। कोच की आधी सीट ट्रेन की डायरेक्शन में और आधी सीट ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है और बीच वालों को टेबल भी मिलती है। गाइस अब मैं आपको ग्लास के बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, अपनी सीट से नहीं दूसरे वाले की सीट से। देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पटरी भी ट्रेन के साथ दौड़ रही है। गाइस ट्रेन के 4 ही स्टॉपेज हैं, बनारस, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और लास्ट दिल्ली। ट्रेन डेली चलती है। गाइस मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठते हैं वैसे ही आपको वाटर बॉटल मिलती है।
थोड़ी देर में ही भूख मिटाने के लिए इवनिंग ब्रेकफास्ट आ जाता है। देखिए सामने मेरी प्लेट में इवनिंग ब्रेकफास्ट में मुझे क्या क्या मिला है। कचौड़ी है, की सैंडविच है, मसाला चाय है, पॉपकॉर्न है, सॉस है, एप्पल जूस है, साथ में टिश्यू पेपर भी है। अब देखिए मेरी मसाला चाय तैयार हो चुकी है। आप मसाला चाय बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो भाई आगे वाले भाई साहब ने अपनी सनशेट लगा ली है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट सनरेस आ रही होंगी, इसीलिए उन्हें अपनी सनशेट लगा ली है। अब देखिए टीटी महोदय आ गए हैं। टीटी महोदय बिल्कुल कोट पैंट पहने हुए हैं, वो टिकट चेक कर रहे हैं, जो भी स्टेशन पर चढ़े हैं उनको बता रहे हैं। अब ये भाई साहब जो है ये अपना सामान उठा के ले जा रहे हैं, जो आपने खाया पिया है उसको ये उठा के ले जाते हैं। अरे भैया बहुत खा पी लिया, चलिए अब थोड़ा निकाल के आते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर है हमारा बाथरूम। सामने रहा बाथरूम का दरवाजा, चलिए बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर चलते हैं। ओ लो आ गए अंदर, अब देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्था है भाई, और ट्रेनों से इसका बाथरूम कितना अलग है देखते हैं। और ये रहा हमारा वेस्टर्न टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट के बगल में ही आप ये बायो टॉयलेट है, इसमें एक बटन दे रखा है जिससे फ्लश हो जाता है आपका। नीचे और भी ये चीज़ें रखी हुई हैं, उससे क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रहा सोप डिस्पेंसर, ये चटकनी लगा दी है, अंदर कोई नहीं आ पाएगा, आप बढ़िया से आराम से बैठ के करते हैं। आए ये रहा डस्टबिन, डस्टबिन के ऊपर ये रहा कोई बटन लगे हुए हैं भाई, सॉकेट लगा हुआ है, एक बटन और है भाई, स्विच ऑफ है। यहाँ पे भाई क्या है, हैंड ड्रायर भी है, नीचे देखते हैं। अरे ये हैंड ड्रायर यहाँ पे लगता हुआ है, अरे हैंड ड्रायर है भैया, हैंड से अपना सुखाया। और इतना बड़ा मिरर, इतना बड़ा मिरर लगा है, लाइट भी बढ़िया लगी हुई है, एकदम मस्त लगी हुई है। टैप रहा, टैप दबाइए, हाथ धोइए, बस मज़ा आ जाएगा। ये बस फ्लश करना मत भूलिएगा, फ्लश जरूर कर लीजिएगा, नहीं गंदगी बहुत हो जाती है। चलिए आप कर लिया है हमने सारा, चलिए अब बाहर चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर ये पैम्पलेट लगा हुआ है जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको पढ़ लीजिए। ये बायो टॉयलेट है और ये सब मत डालिएगा उसमें, नहीं तो चौंक हो जाएगा। ये भाई वॉकी टॉकी लगा है, ये कैमरा लगा है एक गेट पर, और नीचे ये दूसरा कैमरा है, और इसके साथ ये दोनों साइड लगे हुए हैं, तो जब भी आप निकलेंगे तो कैमरे में आ जाएंगे। और इसके बाद चलिए अब अपनी सीट पर बैठते हैं। भाई आपको मैंने चार्जिंग पॉइंट नहीं दिखाया है, चलिए आपको चार्जिंग पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सीट के नीचे लगा हुआ है चार्जिंग पॉइंट, तो मत भूलिएगा कि चार्जिंग पॉइंट सीट के नीचे है। देखिए ये सामने ही बैग भी दे रखा है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर और मैगजीन हो तो इस बैग में रख सकते हैं। अब देखिए ये भाई पैंट्री लेकर के आए हैं अपनी, इस पैंट्री से आप क्या कहते हैं सामान, ये ट्रे जा रही है, देखिए इस ट्रे पर कितना सारा सामान लदा हुआ है, भाई बहुत मेहनत करते हैं। चलिए अब गेट की तरफ चलते हैं, लगता है हमारा स्टेशन आने वाला है। और देखिए हैवी हैवी मशीनें लगी हुई हैं, तो जैसे ही स्टेशन आया वैसे ही सारे लोग जो हैं स्टेशन पर पहुँचने के लिए गेट पर खड़े हो चुके हैं। और देखिए हम आ गए हैं कानपुर सेंट्रल, और इसने अपने टाइम से पहले ही पहुँचा दिया है। भाई क्या स्पीड है, 133 की स्पीड थी इसकी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम कानपुर सेंट्रल आ चुके हैं, देखिए सारी पब्लिक जो है उतर रही है। मेरा C5 कोच था, आप देख सकते हैं प्रयागराज से मैं कानपुर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं कितने लोग यहां पर उतर रहे हैं। कानपुर सेंट्रल भी आप देख सकते हैं, कानपुर सेंट्रल के बाहर आ चुका हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर